हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो आज की डेट डाल लीजिए आप। नाइनटीन्थ ऑफ मे 2020। और चैप्टर स्टूडेंट चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 11, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था उसको ढंग से हम लोगों ने पढ़ा था, और हमने सीखा था कि कैसे डिमांड होती है इसकी, कैसे सप्लाई होती है, इसका इक्विलिब्रियम का केस कैसा होता है। आज हम एक बात जानेंगे कि डिमांड जो है वो क्यों है, किस लिए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, व्हाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। और क्यों चाहिए हमें फॉरेन एक्सचेंज, क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज को मतलब यूज़ कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट। अगर मैं इसकी हेडिंग बताऊँ तो आप इसको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज इन इन रीजंस के कारण डिमांड हो रही है, या फिर आप कह सकते हो व्हाई फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, कि फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड की जा रही है, उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और इसके अंदर हम जानेंगे आज कि फॉरेन एक्सचेंज को क्यों डिमांड किया जा रहा है, क्यों हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो रीज़न है स्टूडेंट वो है कि अगर हमने लोन लिया हुआ है बाहर किसी कंट्री से, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो हम इंडियन हैं और इंडिया कंट्री है हमारी, और हमने जैसे मान लो रशिया से लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, रशिया से लोन लिया हुआ है और वो हमने रीपे करना है, मतलब वापस लौटाना है, तो हम रुपीज़ में नहीं लौटा सकते उसको, हमें इसकी रशियन करंट रूबल्स के अंदर ही, इसके मतलब रशियन की जो करेंसी है रशिया की, उसी के अंदर इनका पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर हमने जैसे मान लो यूरोप से यूरो ले रखा है, ठीक है, लोन ले रखा है और वापस करना है, तो हम रुपीज़ में नहीं कर सकते, हम यूरो में ही उसे वापस करेंगे। हम अगर यूएस से ले रखा है तो यूएसडी के अंदर ही उसे वापस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये, हमने जिस कंट्री से लोन लिया हुआ है उसको जब हम लोन वापस करेंगे, रीपे करेंगे, तो उसको उसी कंट्री के, उसी करेंसी के अंदर करना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। क्लियर स्टूडेंट। दूसरा रीज़न है कि अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर, जैसे मान लो हमने बाहर कोई शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, किसी के डिबेंचर खरीदने हैं, कोई ज़मीन खरीदनी है, कुछ भी, तो हमें, हम कैसे खरीद पाओगे रुपीज़ से, थोड़ी ना, हमें उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो ये भी एक कारण है, अगर हमें फॉरेन के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। दो कारण तो ये है। तीसरे कारण के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो तीसरा कारण क्या है, थर्ड रीजन है इंपोर्ट के लिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंपोर्ट के लिए हमें कुछ खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड, हम घूमने जा रखे हैं,
ठीक है, हम घूमने जा रखे हैं, हमें वहाँ कुछ पसंद आ गई चीज़ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जैसे फ़ोन, आईफोन हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई, या हम बीमार पड़ गए, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया वहाँ पर, तो वो सारे खर्चे हमें कैसे करने पड़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड, अगर हमें डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रोड करनी है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमें फॉरेन के अंदर कोई ग्रांट या डोनेशंस देनी है, मतलब दान करना है, तो भी वो उसी कंट्री की करेंसी के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। और सबसे ज़रूरी बात, अगर जैसे मान लो पेमेंट ऑफ इनकम्स, पेमेंट ऑफ इनकम्स, पेमेंट ऑफ इनकम, इसका क्या मतलब है, पेमेंट ऑफ इनकम का क्या मतलब है कि अगर मान लो हमने, जैसे मान लो कुछ रेंट पे करना है, हमने वहाँ रेंट पे करना है, हमने वहाँ किसी का ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, हमने वहाँ किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, मान लो हो सकता है हमने कोई बिजनेस वहाँ ओपन कर रखा हो, मतलब इन चीज़ों को अगर किसी को पे करना है, मतलब इन, जैसे मान लो जिसको मैं रेंट पे करूंगा वो उसकी इनकम होगी, जिसको मैं ब्याज पे करूंगा वो उसकी इनकम होगी, जिसको मैं सैलरी पे करूंगा वो उसकी इनकम होगी, लेकिन मेरे लिए तो खर्चा है, पेमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं, पर ये जो पेमेंट्स हैं ये मेरे को किसमें करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ जिस कंट्री में ये सब चीज़ें हैं, जिस कंट्री में मैंने मेरी शॉप या मेरा बिजनेस खोला हुआ है, या जिस कंट्री से मैंने उधार, जिस कंट्री के अंदर उधार लिया हुआ है, मेरे को उसी करेंसी में पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये हेडिंग क्या है, पेमेंट ऑफ इनकम्स, क्लियर स्टूडेंट। तो ये रीजन है हमारे क्या करने के, डिमांड करने के, इन कारणों की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, इन चीजों, इन डिजायर, इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, इज इट क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम कि भाई डिमांड तो कर दी, अब ये डिमांड्स फुलफिल कहाँ से होती है, कि फॉरेन एक्सचेंज आते कहाँ से है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉरेन एक्सचेंज आते कहाँ से है, तो उसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज हमने देखा कि डिमांड क्यों चाहिए हमें, ये हमने जान लिया फॉरेन एक्सचेंज हमें इन इन चीजों के लिए चाहिए, बट वो फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहाँ से, वो फॉरेन करेंसी आएगी कहाँ से, ये अभी हमें देखना है कि वो आएगी कहाँ से। तो सबसे पहला जो उसके आने का सोर्स है वो है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से, अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ खरीद के ले जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट होती है, उनमें मेनली आता है जैसे कि मैंगो, ठीक है, मैंगो होता है, राइस होता है, या इंडिया की स्पाइसेस होती है, स्पाइसेस होती हैं, और स्टूडेंट और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जैसे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं, और इंडिया के जैसे लेडीज़ वियर्स होते हैं, ट्रेडिशनल वियर्स होते हैं, ये बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो जब भी मतलब मान लो कोई बाहर से खरीद के ले जाएगा, तो हमें जो बदले में देके जाएगा वो क्या देके जाएगा, फॉरेन करेंसी देकर जाएगा, अपनी करेंसी देकर जाएगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई मतलब बाहर की देश, बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब दोनों तरीके की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, और दूसरी वाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये मतलब दोनों ही तरीके के इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई का मतलब क्या है, कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और एफआईआई का क्या मतलब है, कि वो सिर्फ यहाँ पर कंपनियों के अंदर शेयर्स या बॉन्ड खरीद रहा है, ठीक है ना, दोनों फर्क समझ आए, कि एफडीआई का मतलब है कि जमीन, बिल्डिंग, या खुद कोई बिजनेस ही चला रहा है अपना, अपना बिजनेस, और एफआईआई का मतलब है कि भाई उस कोई बिजनेस यहाँ का है, उसमें सिर्फ शेयर्स या बॉन्ड या डिबेंचर ही खरीद रहा है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या रिजर्व ना, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी आएगी। उसके बाद मैं बात करूं तो जो थर्ड सोर्स है स्टूडेंट वो है डायरेक्ट परचेजेस,
डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर हमारे यहाँ से आके, जैसे मान लो टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ घूमने, ठीक है, लोग आते हैं घूमने, अगर वो यहाँ से हमारे से कुछ खरीद कर जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं या कुछ खा पी के जा रहे हैं, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ से आता है डायरेक्ट परचेजेस के नाम। फोर्थ सोर्स है स्टूडेंट कि हमारे से कोई लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी रेस्ट ऑफ द, जिसकी मतलब रिपेमेंट करने का पॉइंट हमने वहां पर लिखा था ना सबसे पहले डिमांड पे, ठीक है ना। तो जब लोन लेंगे तो वो कैसे लेंगे, उसी की करेंसी में तो लेंगे, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब भी किसी से लोन लेंगे तो उसी की करेंसी से लेंगे। और फिफ्थ स्टूडेंट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, कि हमारे यहाँ कोई दान देगा, ठीक है, तो वो किस में देगा, अपनी ही करेंसी में देगा, ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर स्टूडेंट। सिक्स पॉइंट पर मैं आऊँ तो इनकम रिसिप्ट, हो सकता है कि भाई जैसे मान लो अपने यहाँ इंडिया के लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सैलरी किस में मिलती होगी, फॉरेन एक्सचेंज में। कोई यूएस में काम कर रहा है तो यूएसडी में मिलेगी, कोई कनाडा में काम कर रहा है तो कैनेडियन डॉलर में मिलेगी, ठीक है ना। तो इनकम रिसिप्ट, इनकम के जरिए फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों हेडिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डिमांड क्यों है और सप्लाई कहाँ से हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आए तो इनके साथ वो डिमांड और सप्लाई वाला डायग्राम और बनाना साथ में, तो और भी अच्छा होगा, ठीक है सर। फिर अब यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स्ड रेट ऑफ सिस्टम पूरी तरीके से सीख लिया है, फ्लेक्सिबल हमने और कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से सीख लिया है। और जो थर्ड मैंने आपको बताया था, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर इसको कह सकते हो मैनेज्ड फ्लेक्सिबल सिस्टम, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसका मतलब मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, कि जैसे मान लो फ्लेक्सिबल में जो सारा रेट डिसाइड होता है वो किसके द्वारा होता है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी सारा डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही होता है, पर डिमांड एंड सप्लाई से चीज मतलब लिमिट से बाहर ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसमें कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, मतलब पूरी आज़ादी डिमांड और सप्लाई पे नहीं होती, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो मैनेज करता है वो सेंट्रल बैंक भी करता है, सेंट्रल बैंक भी करता है। कहने को समझ लो कि ये पूरा सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा है, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है, और ये दोनों सेंट्रल बैंक भी और मार्केट फोर्सेस भी, भाई काम तो ये करता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही, बट कहीं ना कहीं कुछ सेंट्रल बैंक ने भी इस पर कुछ लिमिट्स और कुछ रूल्स लगा रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग इसे काम करना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था मैनेज्ड फ्लोटिंग, ये था मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और बचा हुआ है, वो मैं भी कवर करवा रहा हूँ आपको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जैसा कि इसका नाम है स्टूडेंट, एक मार्केट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पर आप इसके नाम से पढ़ पा रहे हो, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज होता है, जहां पर क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस, जहां पर सेल और परचेज होती हो किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, ऐसी जगह को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बस ये डिफर कैसे है नॉर्मल मार्केट से, कैसे डिफर है, नॉर्मल मार्केट्स में स्टूडेंट गुड्स या सर्विसेज का सेल और परचेज होती है, पर इस मार्केट के अंदर किसकी सेल परचेज होती है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करा जाता है, या फिर कह लो एक्सचेंज करा जाता है, अदला बदली करी जाती है फॉरेन करेंसी को। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, तो इस मार्केट के दो टाइप हैं, मैं आपको बता दूं, दो कैटेगरी है, एक तो है स्पॉट मार्केट, कौन सी मार्केट, स्पॉट मार्केट, और दूसरी है स्टूडेंट फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट कह सकते हो इसे, या फिर इसका दूसरा नाम
फ्यूचर मार्केट भी है, ठीक है। क्या है इनका मतलब? फॉरवर्ड स्पॉट मार्केट का मतलब है कि भाई जिस समय आपने सेल करा उसी समय पैसे ले लिए, जैसे कन्वर्ट करी करेंसी तभी पैसे ले लिए, ठीक है, या आपने परचेज करेंसी खरीदी तभी जब भी कन्वर्ट करवाई पैसे दे दिए, ठीक है, मतलब जो लेन देन हुआ पैसों का वो उसी समय हो गया ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट। पर फॉरवर्ड मार्केट में क्या है कि आज आप कोई मतलब करेंसी आप कह रहे हो कि लाओ जी मेरे को 10 USD दे दो, क्या दे दो? 10 USD, ठीक है, आज की डेट में रेट है ₹60, ठीक है, आज 18/5/2020 को। पर आप दोनों में डिसाइड हुआ तो आपने बोला कि जी मैं जो पेमेंट है ना आपको, ये जो रुपीज में पेमेंट है आज के हिसाब से ₹600 बन रहे हैं इसके, पर ये रुपीज मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा, यानी 28 तारीख को दूंगा, उस दिन चाहे कितना भी रेट हो। यानी फ्यूचर मार्केट मतलब इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है ये ऑन द स्पॉट नहीं होती, फ्यूचर में जाके ट्रांजेक्शन होती है, पर डिसाइड आज की डेट में ही कर लिया जाता है कि कौन से दिन ट्रांजेक्शन होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसके अंदर ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन हो जाती है और इसके अंदर फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है स्टूडेंट, खाली इतना ही। अब हम थोड़े से इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि भाई ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले तो जो इसका फंक्शन है स्टूडेंट, ट्रांसफर फंक्शन है, कि ये क्या करता है, फंड जो होता है, पैसे जो होते हैं, फंड जो होता है, पैसे जो होते हैं उन्हें ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देता है। ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे, मनी कह लो या फिर फंड कह लो, ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्लियर स्टूडेंट? ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? क्रेडिट फंक्शन। ये फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी को उधार पे भी देता है लोगों को। हो सकता है भाई जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस शुरू करा है, ट्रेडिंग का बिजनेस, ठीक है, तो ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या है, मेरे को बाहर का सामान खरीदना है, तो बाहर का सामान खरीदने के लिए मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए। पर अभी चूंकि मैंने शुरू करा है तो डे वन पे तो मेरे पास होगी नहीं, तो मैं उधार लेता हूँ किससे, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से मैं उधार लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ट्रेडर्स को उधार पे फॉरेन एक्सचेंज देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए उधार पे देते हैं फॉरेन रिजर्व। और तीसरा है स्टूडेंट हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन जो होता है वो जस्ट लाइक इंश्योरेंस फंक्शन होता है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस फंक्शन होता है। ये क्या करता है? ये रिस्क मिनिमाइज करता है। क्या करता है? रिस्क मिनिमाइज करता है। किस चीज का रिस्क मिनिमाइज करता है स्टूडेंट? ये कि भाई मान लो फॉरेन करेंसी क्या है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, अदला बदली करती रहती है, तो ये क्या करते हैं, मतलब वो होते हैं ना कि सौकर टाइप के आदमी, जैसे मान लो आप कोई परचेज करने गए, आज आप कुछ परचेज करने गए, लेट्स से हम नॉर्मल की बात करते हैं, जैसे आज आप गोल्ड खरीदने गए और आपने देखा आज गोल्ड का जो भाव है वो है 30 30 का भाव है, 30,000 क्या कहते हैं ग्राम, ठीक है ना, 30 का भाव है। अब 30 के भाव के लिए आप जैसे क्या करते हो, आज गोल्ड खरीदते हो, फॉर सपोज आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, ठीक है ना, और प्राइस क्या है, रेट क्या है, 30,000, ठीक है, 30,000। अब होगा क्या स्टूडेंट कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह देंगे कि भाई आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको 1 महीने बाद देंगे, हम आपको 1 महीने बाद देंगे, ठीक है, और तैयार भी हो जाते हैं। तो पर बात ये रहती है भाई 1 महीने बाद हो सकता है ये रेट बढ़ जाए या हो सकता है ये रेट कम हो जाए, तो ये लोग टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। कई लोग तो कहते हैं भाई चाहे कितना भी रेट हो, चाहे बढ़े चाहे कम हो, हम उस हिसाब से देंगे, और कई लोग कहते हैं नहीं यार चाहे बढ़े चाहे कम हो, हम तो आज के रेट का ही भाव आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि हम आज ही लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करते हैं, हेजिंग फंक्शन यही है कि ये दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, क्या करता है, रिस्क मिनिमाइज करने का काम करता है। और रिस्क मिनिमाइज किससे करता है? जो इसके फॉरेन करेंसी का जो रेट है, जो फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन जाता है, उस रेट की वजह से किसी को नुकसान ना हो, बस ये रेट को, रिस्क को वो क्या करता है, कवर करता है इंपोर्टर्स के लिए, मतलब ट्रेडर्स के लिए। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप कि आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। एक डाउट एक बच्चे का आया था,
वो मैं अभी, मेरे पास टाइम है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि स्टूडेंट हमने एक वर्ड पढ़ा था करेंसी, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर आप एक यूएसडी के बदले 60 रुपए देने पड़ रहे हैं और फिर आपको एक यूएसडी के बदले 65 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, घट रही है। और किसी चीज की वैल्यू जब घटती है तो उसे कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। वैल्यू क्यों घट रही है? ड्यू टू देयर नेचर एंड वियर एंड टियर, इसके नेचर के कारण और अपने आप स्वाभाविकता से घट रही है, किसी ने घटाई नहीं है, अपने आप घट रही है, तो डेप्रिसिएशन है। पर उस स्टूडेंट ने क्या पूछा था कि सर करेंसी डीवैल्यूएशन क्या है? तो बेटा डीवैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब है किसी का मूल्यांकन करना, किसी की वैल्यू निकालना। जैसे आप कोई खरीदने गए, मान लो सेकंड हैंड बाइक खरीदने गए, तो आप कहोगे जी मेरे हिसाब से तो ये 10,000 की बाइक है, आपने उसका मूल्यांकन करा है, वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। डी वैल्यू मतलब मूल्यांकन कम करना, मतलब वैल्यू उसकी कम करना। तो ये होती है ऑटोमेटिक, दोनों चीजें वही है। इसमें भी यूएसडी ₹60 था और हो गया अब ₹70, यानी बढ़ गया, ठीक है ना। इसमें भी हमारे जो क्या कहते हैं करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और इसमें भी हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, दोनों सेम चीज है। पर ये हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉर्मल नेचर, मतलब नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो रहा है, और ये हो रहा है बाय सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक द्वारा ऑटोमेटिकली जबरदस्ती कम करी जा रही है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसके रेट जो बढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है? सेंट्रल बैंक द्वारा, इसलिए इसे डीवैल्यूएशन भी बोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था उस बच्चे का डाउट, तो आई होप बच्चे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस टॉपिक के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, सिर्फ एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो आई होप सबको आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ही सकता है कभी भी, ठीक है ना, सिवाय रात को छोड़ के बेटा, ठीक है। तो दिन में आप पूछो, व्हाट्सएप डालो, अगर कोई बच्चा रात को ही पढ़ रहा हो मैसेज ड्रॉप कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे अपने डाउट्स इकट्ठे करके मैसेज ड्रॉप कर दो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।